तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ की एक नई सॉन्ग के बारे में बताऊंगा। चढ़ा दे रंग इश्क का एक सॉन्ग आया है ऑडियो में, आप चाहो तो जाकर के यूट्यूब पर सुन सकते हो। विशाल मिश्रा की ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट जो है वहाँ पे भी आपको सुनने को मिल जाएगा, और जिस स्टूडियो में बड़े मियाँ छोटे मियाँ का पूरा एल्बम है वहाँ पे भी आपको 8 मिनट्स के बाद में भी आपको वो सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा। ओके यार सच बताऊँ, जितने सारे भी सॉन्ग ये लोग छोड़े हैं ना, वो सॉन्ग से ये सॉन्ग ना एकदम से बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। इस सॉन्ग को बढ़ावा देना चाहिए था, इसका वीडियो वगैरह निकालना चाहिए था। आप जाओगे देखोगे विशाल मिश्रा जो अपलोड करे हैं ये सॉन्ग को ऑडियो में, 40,000 समथिंग लोग सुने हैं और सॉन्ग बहुत ही लाजवाब है भाई। आप सुनोगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। 40,000 लोग समथिंग देखे हैं वो सॉन्ग को। और बल्ला हबीबी जो कि सबसे ज़्यादा ट्रोल हुआ है इनका सॉन्ग, वो सॉन्ग को मिला है 18 मिलियन, 18 मिलियन। तो फिल्म का प्रमोशन कैसे होगा जरा बताओ। जो इनका एकदम से ट्रोलिंग वाला सॉन्ग है उसको 18 मिलियन लोग देखे हैं, 18 मिलियन लोग देखे हैं, और जो इनके सॉन्ग है चढ़ा दे रंग इसके का, आप जाओ सुनो तभी आप आकर के कमेंट करिएगा कि क्या क्या मस्त सॉन्ग है भाई साहब, मजा आ गया सुनकर के। उसको 40,000 लोग देखे हैं, इसी बजट से बड़े मियाँ छोटे मियाँ की प्रमोशन जो है ना गाइस इतना धीमा चल रही है। ऊपर से तो बहुत सारे लोग हेट भी फैला रहे हैं, है ना, क्रेज नहीं है, ट्रेलर की बात भी नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है गाइस। ये लोग प्रमोशन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन जी का एक सोलो पिक्चर आज अपलोड कर रहे हैं ये लोग। पृथ्वीराज सुकुमारन जी का जो कैरेक्टर पिक्चर होता है ना विलन का, जो अकेले वाला पिक्चर जो होता है, आज ये लोग कर रहे हैं। इतने दिन तक कहाँ थे भाई, पहले से करना चाहिए ना। पहले जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ का पोस्टर वगैरह ये लोग अपलोड कर रहे थे उस टाइम पे पृथ्वीराज सुकुमारन जी का करना चाहिए, आज करें हैं। जो कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ की पॉजिटिविटी में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर ही है अभी के टाइम के। बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं पूरा का पूरा बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ट्रेलर वगैरह इन सारी चीज़ों को लेकर के। पृथ्वीराज सुकुमारन की तारीफ ही सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका पोस्टर जो है आज ही आया है। ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, है ना। खैर चलिए बात करते हैं अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान मूवी के बारे में कि कौन बाजी मार सकता है। भाई सच बताऊँ ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मास मूवी है, एक्शन एंटरटेनर है, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, हमें ऑडियंस की अंदर की बातें पता होती हैं कि ऐसी फिल्मों को लोग देखने जाते ही जाते हैं। एक्शन फिल्म है, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ जैसे फिल्म हीरो आ रहे हैं इस फिल्म में। ओके बहुत ही धुआंधार एक्शन होगा इस फिल्म में, ट्रेलर एकदम से भरपूर एक्शन था। अली आवाज़ जाफर जैसे एक डायरेक्टर हैं तो फिल्म को लोग ज़रूर देखने जाएंगे, और मैदान मूवी ऑलरेडी पॉजिटिविटी में राज कर रही है, हर एक मटेरियल को प्यार मिल रहा है, और मैदान मूवी के लिए लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो फिल्म को भी लोग ज़रूर देखने जाएंगे। रही बात कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला 10 अप्रैल को होगा। क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों के दोनों एक साथ जा रहे हैं भाई, दोनों के दोनों IMAX पे रिलीज हो रहे हैं, दोनों के दोनों पूरा एक साथ जा रहे हैं प्रमोशन के टाइम, मतलब प्रमोशन के हिसाब से। ओके लेकिन पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के हिसाब से अगर दो चीज़ होती हैं जैसे, तो पॉजिटिविटी में राज कर रही है मैदान मूवी और नेगेटिविटी में राज कर रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी। लेकिन यहाँ पे जो मास एंटरटेनर है अली आवाज़ जाफर हैं और दो दो एक्शन हीरो हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि फिल्म के ऊपर लोग टूट पड़ेंगे, लोग ज़रूर देखने जाएंगे, जो भी हो जैसा भी हो, लोग टूटेंगे ही टूटेंगे, ज़रूर जाएंगे। ओके और मैदान मूवी ऑलरेडी वो अपना डेरा जमा करके रखा है, सब लोग इंतज़ार करके रखे हैं, तो दोनों फिल्म को लोग तो देखने जाएंगे। लेकिन जब पहली बार मतलब डे वन जब लोग जा करके देखेंगे फिल्म को, फिल्म देखने के बाद जो लोगों का रिएक्शन होता है, तभी हम बोल पाएंगे कि भाई कौन सी फिल्म में कितना दम है एक्चुअली में। ओके तो गाइस अभी के टाइम के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो दोनों फिल्म जो है ना डे वन कलेक्शन को अच्छी तरह का पोटेंशियल रख करके रखे हैं दोनों फिल्म। ओके तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है, जब फिल्म रिलीज होगा तभी पता चलेगा। वैसे आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आप मैदान के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो या फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए। गाइस मैं तो दोनों फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के बारे में मैं बहुत बार आपको कह चुका हूँ कि भाई जितना भी जो हो जैसा भी हो, लोग चाहे कुछ भी बोले इस फिल्म को, इसका रिएक्शन नहीं है, उसका रिएक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके, जो भी जितना भी नेगेटिव बातें इस फिल्म के ऊपर करें, जो भी करें, लेकिन मुझे फिल्म के ऊपर भरोसा है कि फिल्म में कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि मज़ा आएगा, क्योंकि हम अली आवाज़ जाफर को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके ऊपर हमें भरोसा है,
और एक्शन के मामले में तो ये दोनों हीरो हैं ही, है ना। तो फिल्म मजा आएगा, एक्शन फिल्म के हिसाब से बड़ा मजा आएगा, और विलन तो इस फिल्म में बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। गाइस, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस फिल्म में एक छोटा सा एंगल भी, इमोशनल एंगल करके एक छोटा सा एक कहानी ऐसा हो जाए जहां पे देखो एक देशभक्ति थोड़ा सा जगा दिए, इमोशनल एंगल थोड़ा सा आ गया, उसके बाद भरपूर एक्शन दे दिए, काम कर जाता है भाई एक्शन फिल्मों का, ठीक है ना, काम कर ही जाता है। पठान मूवी का एग्जाम्पल ले लो, है ना, उतना पेचीदा स्टोरी कहाँ था उसमें। देशभक्ति का थोड़ा जगा दो, फिर डिंपल कपाड़िया को लेकर के थोड़ा सा इमोशनल एंगल डाल दो और एक्शन दे दो भरपूर, हो गया ना। तो वैसा वाला चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, तो काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, दोनों के दोनों एक्शन हीरो हैं, ठीक है। तो इस फिल्म के ऊपर मेरा फुल भरोसा है कि फिल्म बहुत मजा आएगा, चाहे जो भी हो। पूजा एंटरटेनमेंट अपना प्रमोशन ठीक से ना करे हो, जो भी हो, नेगेटिव चल रहा हो, पॉजिटिव चल रहा हो, जो भी हो, लेकिन फिल्म काम करेगा, मुझे बिलीव है। रही बात मैदान की, भाई मैदान मूवी का तो देखो आप आउटपुट, जितने सारे आउटपुट आ रहे हैं, और फिल्म का प्लॉट क्या है, और उसको कैसे अजय देवगन अदा कर रहे हैं, भाई सब कुछ सेट है, वो फिल्म तो मजा आएगा ही आएगा। तो दोनों फिल्म के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, और अपनी कमेंट आप मुझे जरूर करिएगा कि आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए या फिर मैदान के लिए। ओके, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।